सालों से दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बांग्लादेश ने IMF से मांगा है लोन। इनफैक्ट बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP तो इंडिया से भी ज्यादा है। तो फिर बांग्लादेश की हालत कैसे हुई? अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले कोविड और अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत खराब हुई। अब इन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट तो किया है, लेकिन असली रीजंस कुछ और ही। बांग्लादेश में काफी सालों से चल रहे ऑलमोस्ट सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं कॉस्ट ओवररन। अब हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में रोड बनाने की कॉस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से बांग्लादेश का फॉरेन डेट पिछले 5 साल में डबल हो चुका है। ऑन टॉप ऑफ इट बांग्लादेश के बैंक्स का पैसा बैड लोन्स में डूब रहा है। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बैंक्स की बिजनेसेस को पैसा देने की कैपेसिटी को। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का कहना है कंट्री में बैड लोन्स हैं अराउंड $11 बिलियन, लेकिन IMF का कहना कि रियल नंबर्स डबल से भी ज्यादा है। इस सब के बाद नंबर आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसे इकोनॉमी का कैंसर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया की टॉप 50 कंट्रीज में आता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब जो पैसा बांग्लादेश की इकोनॉमी में जाना चाहिए वो हर साल जा रहा है स्विस बैंक्स में।